आइडल सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस देखो कैसे निकालते हैं। हम पढ़े थे EMI, टॉपिक डालो आप सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आइडल सोलेनोइड। आइडल सोलेनोइड की बात कर रहा हूं, क्या होता है बेटा आइडल सोलेनोइड? जिसका जो लेंथ है उसकी रेडियस से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो उसको आइडियल सोलेनोइड कहेंगे। गुड, ठीक है। तो जो एल है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है आर, उसकी रेडियस के कंपैरिजन में एल जो हो तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल सोलेनोइड। अब इस तरह से मैंने सोलेनोइड बनाया, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक इस सोलेनोइड की लेंथ होगी आपकी बेटा एल हो गई, और ये क्या हो गया इसका आर हो गया, ये क्या हो गया इसकी रेडियस होगी आर, ठीक है। मान लेते हैं कि सोलेनोइड में एन हमको क्या गिवन है, एन क्या होता है स्मॉल एन से क्या डिनोट करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टर्न्स बाय पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है। अब मुझे इसका एल फाइंड करना है, एल का फॉर्मूला क्या था, कल फॉर्मूला आया था एल का, फाई टोटल बाय आई, यही फॉर्मूला था एल इज एल यही था मतलब फाइव आई नहीं लिख देते, एल था हमारा टोटल फ्लक्स बाय आई। तो पहले मान लो इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, मान लो इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा फाई टी बराबर, फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है बी इंटू एरिया ना, बी वैक्टर डॉट एरिया वैक्टर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा। अगर एक मैं छोटा सा लूप की बात करूं तो एरिया किधर होगा इसका, लूप ऐसे है तो लूप में एरिया कैसे लेंगे, ऐसे बाहर की तरफ सर, इसमें लूप ऐसे रखी हुई है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर लेंगे, तो सीधा लेंगे या फिर उल्टा लेंगे। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, फाई इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस जीरो, बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, ये मैं लिखा रहा हूं फाई वन, वन का मतलब है फॉर सिंगल लूप के लिए। बी की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, कॉइल है तो म्यू नॉट आई बाय टू पाई टू आर लेंगे, कॉइल है क्योंकि एक सिंगल अगर कॉइल का कॉइल है ये तो सोलेनोइड है, मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह कितना होगा, अच्छा, तो म्यू नॉट सोलेनोइड के अंदर, म्यू नॉट सोलेनोइड के अंदर म्यू नॉट एंड आई, एक कॉइल की बात कर रहा हूं, और एरिया, एरिया किसका लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे सोलेनोइड के कारण लेंगे, आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ही आएगा फॉर आइडियल सोलेनोइड, ठीक है ना, ये हमने पढ़ाया था कि आइडियल सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैं एक सिंगल लूप की बात कर रहा हूं, बात समझ में आई। तो ये आ गया आपके पास प्लस ड्यू टू वन लूप, अब मुझे टोटल जितने भी लूप से सभी लूप से फ्लक्स निकालना हो तो मुझे फाइव टी निकालना हो तो क्या मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स करूंगा इनटू फाइव वन करूंगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न कैसे निकालोगे, मैंने बोला पर यूनिट लेंथ पर एन टर्न से तो एल लेंथ पे कितने टर्न्स होंगे, क्या एन इंटू एल, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ,
इनटू फाइव वन, फाइव वन की वैल्यू रखते हैं आप म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टोटल फ्लक्स। क्या हो जाएगा ये आपका टोटल फ्लक्स हो जाएगा, टोटल फ्लक्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपका टोटल फ्लक्स हो गया। अब देखो अब निकालते हैं L, L बराबर क्या हो जाएगा पाई टी बाई आई, आई से डिवाइड कर देंगे इसको, तो देखो इसको आई से डिवाइड करूंगा तो क्या आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यहां भी आई है ना बेटा, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या अगर लिख लूंगा मैं म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यही आएगा। यस तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका, सॉरी टोटल इंडक्टेंस कितना हो गया, इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखो एल जो है क्या एल करंट पे डिपेंड कर रहा है, एल का तो ये फॉर्मूला आया, क्या सर आपने क्या बोला, मैंने पूछा क्या एल करंट पे डिपेंड करता है क्या, कल मैंने बताया था ना आपको एल करंट पे डिपेंड नहीं करता, नहीं कर रहा है म्यू नॉट एल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर आ रहा है, मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसको रब कर दूं यहाँ पे ऊपर, क्यों कर दीजिए, एल का फाइनली फॉर्मूला आया मेरे पास म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यहां से लिखोगे एल डज नॉट डिपेंड ऑन आई, इट डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर, और देखो यहां पे पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया ऑफ लूप इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, वॉल्यूम वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये भी फॉर्मूला है, वी क्या है यहाँ पे, वी याद रखना वॉल्यूम है, तो आपको सोलोनाइड का वॉल्यूम दे रखा है, जब भी किसी भी कंडक्टर का वॉल्यूम दे रखा है तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी कर दो आप सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। यस सर, ठीक। वैसे कल हम लोग ई इंड्यूस निकाल चुके थे, एक बार फिर देख लेते हैं E इंड्यूस कितना होगा, रब कर दूं ना इसको, यस सर, ई इंड्यूस ड्यू टू एल, ई इंड्यूस ड्यू टू एल, एल के कारण कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो देखो टोटल फ्लक्स मुझे पता चल गया फाई टी इक्वल टू क्या होता है एल इंटू आई, कल भी बताया था मैंने, और ई इंड्यूस जो होता है वो क्या होता है माइनस डी फाई टी बाय डी टी, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एल डी आई बाय डी टी, कितना आ जाएगा माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो ईएमएफ इंड्यूस किसी भी इंडक्टेंस के कारण, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण
ई इंड्यूस जो होगा उसका फॉर्मूला है माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। डी आई बाई डी टी क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। आई बात समझ में? अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, मान लो इधर रेजिस्टेंस है, फिर यहां पे एक सोलेनोइड आ गया, फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। यहां पर ए लिखा हुआ है मैंने, यहां पे लिखा हुआ है बी। रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लो, इसकी ले लो 2 ओम, एल इसका ले लेते हैं कितना 3 हेनरी ले लेते हैं, और इसका ले लेते हैं 4 ओम। सर्किट में करंट मान लो इस समय करंट फ्लो कर रही है 3 एम्पियर, करंट फ्लो कर रही है 3 एम्पियर की, और ये करंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, करंट इज इंक्रीजिंग किस रेट से, एट द रेट, रेट आपको गिवन है दैट इज डी आई बाई डी टी आपको गिवन है 2 एम्पियर पर सेकेंड, हर सेकेंड में 2 एम्पियर करंट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड वी ए माइनस वी बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस समय। ठीक है, सॉल्व करते हैं। करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो करंट का अपोज करे, तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा कुछ इस तरह से, पॉजिटिव पार्ट इस तरफ होगा और नेगेटिव पार्ट आपका इस तरफ होगा। आई बात समझ में? और कितना होगा, ई इक्वल टू क्या होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी में, माइनस एल माइनस क्यों आता है, क्योंकि ये करंट का चेंज का अपोज करता है इसलिए माइनस आता है, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो एल डी आई बाई डी टी लिखूंगा यहां पे, ठीक। तो मैं अगर सर्किट को रिप्लेस कर दूं किससे, बैटरी से, या फिर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इसको सर्किट को रिप्लेस कर देता हूं मैं किससे, बैटरी से, ऐसे बैटरी लग जाएगी और ये 4 ओम, ये हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी, करंट फ्लो कर रही है 3 एम्पियर की समय, ये 2 ओम है, ये कितना आया था, ई इंड्यूस एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 3, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है 2, तो कितना आएगा 6 वोल्ट आएगा ना बेटा। अब करंट ऐसे फ्लो कर रही तो ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बैटरी में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करंट क्योंकि ऐसे फ्लो कर रही है। तो अब VA माइनस VB निकालना आपको, तो VA से स्टार्ट करेंगे और VB तक पहुंचेंगे, VA प्लस है माइनस डिक्रीज हो रहा हूं, 3 एम्पीयर करंट है I इंटू R, प्लस से माइनस वापस डिक्रीज हो रहा हूं, माइनस 6 वोल्ट, प्लस से माइनस, ये रेजिस्टेंस कितना था, 3 था ना, नहीं 4 था, 4 था, हाँ, माइनस 3 × 4 इक्वल टू VB, ठीक है, 3 × 2 = 6, 6 = 12। सर आपने 3 क्यों किया है, सर एक मिनट, सर आपने I3 क्यों लिया है, इस इंस्टेंट पर करंट इसमें 3 एम्पीयर गिवन था, था। हाँ करंट 3 एम्पीयर गिवन था ना बेटा, जब तक करंट पता नहीं चलेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 2 एम्पीयर का 3 था, डी आई बाई डी टी 2 था, करंट 3 था, मुझे लगा कि 2 था सर, मुझे लगा 2 था, वैसे आंसर 12 हो जाएगा, नहीं तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा 24। सर
सर आप मुझे बताओ क्या कहते क्या? हैं, ये तो माइनस एल, यूजुअली एल क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है ना, तो हम हाँ अगर माइनस एल डी आई बाई डी टी है तो फिर अगर माइनस इसको करेंगे तो वो तो प्लस एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा ना। माइनस साइन मैंने बताया ना, अभी माइनस साइन क्यों आता है वो, क्योंकि उसका अपोज करता है इसका कॉस का, इसलिए माइनस साइन आता है। वो कॉस का क्या करता है, अपोज करता है। यहां पे करंट इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीज हो रही है यहां पे, तो ई इंड्यूस इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखा आपने, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, क्योंकि करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाँ डी आई मतलब क्या होता है, आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, तो करंट इंक्रीज हो रही है, तो डी आई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो हाँ पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा इसका मतलब अपोज कर रहा होगा ये, इसलिए मैंने पहले यहां हाँ पर सिंबल ऐसे बना दिया। और अगर ये डिक्रीज कर रहा होता करंट, तो फिर ये सपोर्ट करता, इसी तरह पॉजिटिव होता, तो उस समय फिर ये पॉजिटिव आता। आई बात समझ में? माइनस साइन क्यों लेंगे हम लोग, माइनस साइन का बस काम ये है कि वो करंट का क्या कर रहा है, उसका रेट ऑफ कॉस का अपोज कर रहा है। सर एक मिनट हाँ सर, एक बेटा, क्वेश्चन है सर, आपने फिर बैटरी भी उसी हिसाब से बनाई है कि मतलब मतलब इसको कॉस अपोज कर रहा है, को अपोज कर रहा है, इसलिए मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है हाँ तो वो करंट करंट इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज से को रोकने सर के लिए ऐसे करेगा ना, ठीक सुनो तो है। सही सर, करंट इंक्रीज हो रहा है तो हाँ उसको अपोज करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल अपोजिट सिग्नल होगा ना, लगा क्योंकि ये बैटरी चाहेगा कि करंट ऐसे फ्लो करे, बैटरी से करंट ऐसे निकलती है ना, हाँ करंट इधर से बढ़ रही है, ये इसको रोकने के लिए चाहेगा, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे होना चाहिए। आई बात तो समझ सब कुछ में? सर करंट तो सर सब कुछ इसमें सर सुनो तो सही, तो सब कुछ हाँ इस क्वेश्चन के मतलब इस स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट है ना कि करंट इज इंक्रीजिंग एट द रेट डी आई बाई डी टी, अगर हाँ डिक्रीजिंग ये एट द जरूरी रेट है, डी आई बाई ये डी टी जरूरी होता है। फिर आपको तो सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नहीं, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है इससे भी मतलब है। भाई बात समझ में? अगर डिक्रीजिंग करंट डी आई बाई डी टी तो फिर मतलब इसके ये उल्टा बन टर्मिनल्स रहा उल्टे हो जाते हैं ना। है, उल्टे हो जाते, फिर समझ गए बेटा। तो कितना आएगा यहाँ पे, VA माइनस VB 24 वोल्ट आएगा। एनर्जी स्टोर्ड, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास ऐसे सोलेनोइड है, या फिर इंडक्टर बोल सकते हैं, इसमें करंट फ्लो कर रही है कितनी, आई करंट फ्लो कर रही है, इंडक्टेंस इसका दे रखा है कितना, एल इसका इंडक्टेंस, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये बताना हम लोगों को। और करंट जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, करंट क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, इस चीज का भी ध्यान रखना, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको रिप्लेस करके मैं एज एक बैटरी बना सकता हूं, यस सर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ई इंड्यूस इक्वल टू कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी, और इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है सिस्टम पर, आई। आपको पावर का फॉर्मूला पता है बेटा, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू आपने सुना वी आई, पावर इक्वल टू वी आई होता है,
यस सर। ठीक है,